मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैंने उनके सामने आग्रह से कहा था कि देश ईमानदारी चाहता है, देश ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दल, राजनेता, उनके प्रति जनता के दिल में अविश्वास भरा पड़ा है। लोकतंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को ईमानदारी का विश्वास दिलाएं। और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें, दो विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अभी उसका उल्लेख किया, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है। क्यों न देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का वातावरण क्यों न बनाया जाए, व्यवस्था क्यों न खड़ी की जाए। आए दिन चुनावों के कारण गांव गांव में तनाव पैदा हो जाता है, सारी विकास की यात्रा रुक जाती है। अगर पांच साल में एक बार चुनाव हो, पांच साल सब सरकारें जो भी चुन कर आए वो काम करे। मैंने सभी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया क्योंकि ये दोनों बातें ऐसी थी कि जिससे ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मैं भी